It's beginning to look a lot like Christmas. The festivities are here. एंड अब फेस्टिवल आ रहा है क्रिसमस हमारा, तो अब हमने ऑब्वियसली बात है डेकोरेशंस को थोड़ा सा टचअप करके, थोड़ी चीजें चेंज करके कुछ और चीजें ऐड करनी है जो क्रिसमस वाइब के साथ जाएंगी। मैं तो यही बता रही थी कि इफ यू हैव सीन आवर प्रीवियस व्लॉग्स, तो मैंने तब भी यही बोला था हैलोवीन में कि दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिविटीज अराउंड हियर एंड इट गिव्स अस इमेंस डोज ऑफ एक्साइटमेंट। तो एज जगराज वाज सेइंग कि आज हम डेकोरेट करने वाले हैं, क्रिसमस की तैयारियां करने वाले हैं, तो उसके लिए हम डेकोरेशन करने वाले हैं। पहले हम बाहर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री हमने लास्ट ईयर से ही शुरुआत करी थी और वही क्रिसमस ट्री ऑब्वियसली पीपल री यूज द सेम क्रिसमस ट्री, और यू कैन कीप एडिंग इफ यू वॉन्ट लाइक अनदर छोटा सा क्रिसमस ट्री ले लो, बट हमारे पास अच्छे साइज के क्रिसमस ट्री है। इफ यू हैव नॉट सीन आवर प्रीवियस ईयर्स व्लॉग यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, आई विल लिंक इट ऑन टॉप। अब डेकोरेशंस करनी शुरू करनी है और डेकोरेशन में एज आई सेड कि क्रिसमस की वाइब को लेके थोड़े यहाँ एलिमेंट्स ऐड करूंगा, यहाँ पर थोड़े एलिमेंट्स ऐड करूंगा जहाँ पर पूरा हेलोवीन का सेटअप था, यहाँ पर पूरा हेलोवीन का सेटअप था। कैंडी केन्स वगैरह लगाएंगे यहाँ पर हम इस एरिया में। बाकी जो ऊपर की लाइट है वो तो आप लोगों ने देखी थी, जो हमने पहले लगाई थी वो लाइटिंग सेटअप वैसा का वैसा ही है, और चीज़ों को ऐड करके चेंज करके थोड़ा सेटअप को ना डिफरेंट बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने क्या करा है हर फेस्टिवल के हिसाब से वाइब्स को चेंज करने की कोशिश करी है, उस हिसाब से ही सेटअप बनाने की कोशिश करी है। तो लेट्स गेट गोइंग। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो लाइट्स हैं, लाइट से पहले हम शुरुआत करने वाले हैं कैंडी केन्स जो आप जगराज के हाथ में देख सकते हो। ये हम तीन सेट लेकर आए थे, लाए तो हम लास्ट ईयर थे पर हमारे को मौका ही नहीं लगा लगाने का क्योंकि तब हम काफ़ी ऑलरेडी डेकोरेशन कर चुके थे। तो अभी हम ये तीन सेट हैं और हर सेट के अंदर तीन केन्स हैं, हाँ तीन है, तो टोटल हमारे पास 9 है विच वी आर प्लानिंग टू, आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट प्लानिंग टू पुट इट ऑन द साइड। यहाँ पे ना अच्छा लगता है एजेस पे लगा हुआ, सुंदर लगता है मेरे ख्याल से कि ऐसे एल शेप में लगाते हैं अच्छा लगेगा। यहाँ तो ऑलरेडी लाइट्स हैं ना, अच्छी लगेंगी ऐसी ही सब, यहाँ तो ऐसे ही लगाते हैं, सुंदर लगता है। अभी टेम्परेचर इस टाइम पे आई थिंक -2 या -3 फील्स लाइक है, ऐसे टेम्परेचर पॉजिटिव है लेकिन फील्स लाइक थोड़ा ऑब्वियसली क्योंकि विंडी है थोड़ा थोड़ा, और मुझे तो खैर ठंड भी ज़्यादा ही लगती है, तो बेशक वो -2 भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो -4 ही हो जाता है अपने आप ही। तभी आप डिफरेंस देख सकते हो मेरे कपड़ों में और जगराज के कपड़ों में। मैंने टोपी के साथ जैकेट भी पहनी, इसमें सिर्फ टोपी और हुडी पहनी है। अच्छा इसके अंदर ना एक आगे नुकीली सी वो आती है, कुछ नीडल्स सी, उसके अंदर आप उसको इंसर्ट करते हो, देन यू जस्ट कीप प्रेसिंग इट इनटू द, मेरे ख्याल से इसको नेल डाउन करना है पहले फिर केन्स पर लगाने हैं। हाँ ये हो सकता है, नहीं तो वो टूट भी सकती है। आई एग्री, ऐसी सी चीज आती है इसके साथ, इसको पहले आप नीचे डाल दो यहाँ पे अंदर तक, एंड देन उसके ऊपर यहाँ पे आप इसको केन को यहाँ पे है ना स्टक हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इसका ये स्टक कर सकते हो आप इसके ऊपर यहाँ पे। आई थिंक वो काफ़ी डेलिकेट है और इसलिए हम ये वापस निकाल रहे हैं और हम सिर्फ पहले इसको नेल डाउन करेंगे यूजिंग दिस हैमर। मेरे को लग रहा है टूट ना जाए, नहीं ये दूसरा हैमर लेके आया ना, ये जो मीट को वो करने के लिए होता है ना किचन वाला हैमर लेकर आए हैं अब इस, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ये बात वेरी गुड। There goes one. 9 के 9 यहाँ पूरे लग गए हैं, and to our surprise जितना हमारा ये area है actually में 9 के 9 पूरे उतने फिट आए हैं, बिल्कुल सही मतलब measurement रहा है इतना बढ़िया। ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक बिल्कुल 9 मतलब परफेक्ट हिसाब किताब बैठा है, बिल्कुल बढ़िया। अब ये जब इसमें पावर कनेक्शन आएगा ना, ओए होए होए बहुत सुंदर लगते हैं रात को ये। रात का व्यू तो खैर हम अलग से कैप्चर करेंगे क्योंकि अभी तो इतनी ज्यादा रोशनी समझ नहीं आएगी, बट रात को जब ऑब्वियसली लाइट वगैरह जलेगी तब आपको बहुत अच्छा इसका व्यू दिखेगा। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है कबीर को लेके कि जब कबीर यहाँ पे देखेगा रात को, मतलब जब अंधेरे में लाइट्स वगैरह सारी जल के जब एक्चुअल में सारा सेटअप देखेगा तो इट्स रियल लाइक अ ड्रीमी लैंड फॉर हिम। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा सेटअप बन जाए और स्नो के साथ वैसा अच्छे वाला लगे, जैसे देखते हैं जब आइटम ले जाओ तो इनकी फोटोज लगी होती है वो पैकेट्स वगैरह के ऊपर, तो बिल्कुल फोटोशॉप वगैरह के एडिट वगैरह करके करी होती है कि इतनी स्नो में ये फोटो ऐसी लगेगी वैसी लगेगी, वैसा सेटअप बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसे जगराज ने बोला ना कि कबीर को लेके एक्साइटमेंट है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है क्योंकि लास्ट ईयर ऑब्वियसली वो
डेढ़ साल का होने वाला था, तो तब इतनी ऑब्वियसली उसको समझ नहीं थी ना इन चीज़ों की. अब उसको जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो रहा है उसको समझ भी ज़्यादा ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए अब बढ़िया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि नाउ ही गोज़ टू स्कूल एज वेल, तो वहाँ पर भी उनको ये एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं. सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन फॉर हिम. देख सकते हो आप मैंने कितना ढका हुआ है अपने आप को टोपी में और जैकेट में, ठंड बहुत लग रही है मुझे एज ऑलवेज. तो ये जब सेकंड यंत्र यहाँ लग रहा है आप देख सकते हो, ये बेसिकली एक लाइट एमिट करेगा. और इसमें खास बात क्या है कि यहाँ से इस डिवाइस से लाइट निकलेगी और पूरे घर में यहाँ पे मतलब पूरी जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है इस पे पूरे पे लाइट ना डॉट डॉट या जो भी पैटर्न्स ये एमिट करता है यहाँ पे पूरे पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट लुक्स अमेजिंग अमेजिंग. तो मेरा बड़ा मन हो रहा है कि फटाफट अंधेरा होए और हम आपके लिए वो मोमेंट्स कैप्चर करें कि कितना अमेजिंग लगने वाला है. छोटा सा यही है ये प्रोजेक्टर लाइट की तरह पर बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है. अभी हम इन्फ्लेटेबल्स फुलाने लगे हैं यहाँ पे. आई थिंक एक हमारा इसमें जो कैरेक्टर है वो ये है. ओह कबीर तो यार बिल्कुल ही मजे आ जाएंगे उसको तो. हाय और एक आई थिंक सांता क्लॉज है. देखिए कितना प्यारा दिया है. सांता का है. सांता सांता भी तो था एक है ना. हाँ सांता इस डब्बे में और ये वो वाला है पेंगुइन. बहुत प्यारा बैग है. इसके अंदर से निकलेगा ये तो पूरा बैकपैक लग रहा है बच्चों वाला. इससे पहले जो लिए सारे के सारे तो ऐसे ही आए हैं बॉक्सेस में. ये इसके अंदर से निकला मसाला. ओह यार ये तो बहुत ही प्यारा है. काफी हैवी है यार. दिखा. हाँ भाई वजन है. हेलो कैसा लगा? क्या लगा देते हैं? थोड़ा आगे आगे लगाते ना. अरे क्या डायगनली लगेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल सही. कबीर तो बहुत खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा क्योंकि ये थोड़े से ना फ्रेंडली कैरेक्टर ज्यादा है ना. और जो हमने हैलोवीन पे बनाया था वो ऑब्वियसली स्केरी कैरेक्टर्स हैं एज पर द फेस्टिवल, तो पूरी वाइब्स तो हमने वही ली हैं. और कबीर भी यही बन के गया था. आपने देखा होगा शायद जो ब्लॉग अभी. हो यार मुझे तो लग रहा है कबीर को मैंने बड़ा कर दिया. वो एक्चुअली वो यही कपड़े पहन के गया था फ्रॉस्टी के. अब इसको अच्छे से वो करना पड़ेगा कि ये अपनी जगह पे रहे. मेरे आगे बेचारा सर झुका रहा अपना है. एए, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं. इसका नाम पुष्पा ही रख देते हैं. जो उसने स्कार्फ पाया है पुष्पा ही लग रहा है यहाँ का पुष्पा. एक बन गया. थोड़ा टाइम लगा क्योंकि विंडी इतना ज्यादा है इस टाइम और ये बार बार हिले जा रहा था. अभी भी देख सकते हो आप कैसे हिल रहा है. लेकिन इसको सपोर्ट करा हुआ है अभी चारों तरफ से तो इसलिए स्टेबल है, नहीं तो इससे ज्यादा हिल रहा था. तो अब दूसरे की बारी है. ये बना ही रहा हूँ और सांता भी लगा ही है. देख रहे हो कितना हिल रहा है. कबीर आ चुका है. नाउ लेट्स सी उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं इन सबको देखने के बाद. कबीर दिस इज फ्रॉस्टी. Remember this, Kabir? This is Frosty. बड़े मालिक आ चुके हैं. सर 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 बताइए अपना फीडबैक दीजिए. सर आपको कैसा लगा सारा सेटअप? Kabir, do you like it? ओ देखो Kabir Santa सो गया. He's sleeping. मेरे को लग रहा है मेरे को इसको थोड़ा पीछे. कभी ही सेइंग हाय बैक. कभी व्हाट हैपेंड टू द सांता? कभी स्लीपिंग. क्या हुआ? इज ही स्लीपिंग? कभी ओ बाय द वे कभी यू फॉरगॉट टू से हाय गाइस. कभी सेंटा अब स्टेबल लगी कि मैंने चारों तरफ लगा दिया है इसकी सपोर्ट. बट एक अभी भी मिसिंग है इस तरफ की जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास थोड़ी कम पड़ रही है. तो आई थिंक और थोड़ी पीछे भी अगर सपोर्ट लगा पाऊंगा तो वो भी मैं ट्राई करूंगा. एंड ये अपना फिर भी स्टेबल है क्योंकि इसकी हाइट छोटी है. तो ये है 5 फिट के आसपास. हाँ ये 5 फिट के आसपास है और ये होगा आराम से 7-7.5 फीट के आसपास. तो इसकी हाइट ज़्यादा होने के चक्कर में हवा बहुत ज़्यादा आ रही है इसके ऊपर. अब मैं लगाऊंगा ये जो कॉर्नर लाइट्स होती हैं घर के यहाँ पर आप लगा दो ताकि वो शेड देती रहती हैं ना. नॉट दीज वंस ये अलग है
ये तो फेस्टिव लाइट्स हैं और घूमती हैं वो कुछ ना कुछ यू नो फ्लैश होता रहता है वो, कभी स्नो फ्लेक्स होंगी फ्लैश, कभी छोटे छोटे सेंटास बने होंगे, जो लेज़र लाइट नहीं आती थी जैसे बचपन में, वैसे करके आपके पूरे घर पे ब्रॉड ओके पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। बट दीज आर डिफरेंट, दीज आर वाईफाई लाइट्स, ये RGB लाइट होती हैं, जैसे आप इनको कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो ये चारों लगाऊंगा मैं बाहर लाइट्स वगैरह लगाने के बाद। अब घर के अंदर हमने जो क्रिसमस ट्री खड़ा करना है और क्रिसमस ट्री में जो डेकोरेशन खड़ा करना है, घर नहीं खड़ा करने क्रिसमस ट्री असेंबल करने वाले। तो हम जगराज ने बोला हाय गाइस, जैसे कबीर वहां से बोल रहा है कम। आई थिंक कबीर वांट्स टू टॉक टू यू गाइस फर्स्ट। कबीर व्हाट? हाय गाइस। ये और उसके सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह ऊपर लेके आ गए हैं, और दो तीन चीजें एक्स्ट्रा जो हमने एक्सेसरीज खरीदी हैं क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए वो भी अभी हम लगाएंगे। और वी विल टेक कबीर हेल्प, क्योंकि हम कबीर की वेट कर रहे थे कि जब कबीर आ जाएगा स्कूल से तो कबीर के साथ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट गोइंग। ट्री में ट्री नहीं, क्रिसमस ट्री कह रहा, ट्री में ट्री। कबीर व्हाट इज दिस? व्हाट ट्री इज इट? नो लाइक व्हाट ट्री इज इट? क्रिसमस ट्री? कैन यू से क्रिसमस ट्री? ओके से। Where are you going? Oh, thank you, sweetie. Come back, come. Look. Aao, jaldi aao. Kabir, aao. Kabir, we don't need that right now. We have to assemble the tree first. No, I think this is A. Kabir, can you help me? कबीर की फर्स्ट असेंबली है ना कबीर? ये लास्ट ईयर तो बहुत ही छोटा था। यस या कैन यू पिक, नो नॉट द स्मॉल वन, कैन यू पिक अप द बिगर वन? यस एंड गिव इट टू पापा। या आई थिंक आई हैव टू फाइंड द सेंटर पॉइंट, बीच में होगा। हाँ वो हम बाद में सेपरेट कर लेंगे। कम, ओह इट्स एन ऑर्नामेंट। नो नहीं आया फेस्टिव फील्स के मजे लेने। बिग ओके 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 ए छोटी, ओए गुल्लू नजरों से कुछ नहीं बच सकता भैया, यहाँ रखा हुआ था हिसाब किताब छुपा के। Do you see something? Kabir? 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 Kabir, do you like it? It's not good, sir, brother. Kabir, do you like it? It's very good, Jolie. Yes. क्यूटी है ना, क्यूटी। चलो भाई फाइनली
एक चीज तो इसको अच्छी लगी ऑर्नामेंट्स में से, अब दूसरी चीज को लगाना है, सोचना है कि लगाना कैसे है वो। कमी ये जिंगल बेल जिंगल बेल। इट्स ओके दैट्स ओके ही वोंट फॉल। कितना हैरानी से देख रहा है ऊपर जाके नीचे आ कैसे रहा है। The second element is this train. इसको आप एज ए टॉय ट्रेन भी यूज कर सकते हो नीचे, और यू कुड यूज दिस ट्रेन। इसका ट्रैक है वो शायद से क्रिसमस ट्री पर लग जाता है। मैं भी देखूंगा कैसे लगता है, आई हैव टू लर्न दैट फर्स्ट। और हाँ शायद ऐसे। सो ये ट्रैक आपके क्रिसमस ट्री के जो सेंट्रल जो ट्रंक है जो पूरे ट्री का उस पर लगेगा। अब आप मुझे एक नए अवतार में देख रहे हो, और आई थिंक ये तीसरा मेरा नया अवतार है क्योंकि अगला दिन आ चुका है, अगली शाम आ चुकी है एक्चुअली में। और हम राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने जब ट्री कैप्चर करना है फॉर द वीडियो, वी वांटेड टू मेक श्योर कि अंधेरा हो, रात का वक्त हो, शाम का टाइम हो, ताकि जब ट्री यू नो हम इसमें लाइट ऑन करें तो यू कैन एविडेंटली सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। और जैसे कि जगराज ने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वीडियो में कि हमने दो इसमें एलिमेंट्स भी इस बार ऐड करें अपनी ट्री में। वी आर सो एक्साइटेड टू शो यू द होल लुक ऑफ द ट्री, दैट हाउ नाइस हाउ पुच्चू इट हैज कम आउट, लाइक इट लुक्स सो अमेजिंग। सो लेट मी टर्न अराउंड द कैमरा, चक्कर रेडी, दिस इज द ओवर। ओके मैं अभी जानबूझ के जगराज को फ्रंट पे रखा हुआ है ताकि जो एलिमेंट्स हैं उसका फाइनल लुक मैं तभी दिखाऊंगी जब वो ऑन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ओ ये तो बाबू लगला जी। ओ ये आई वाली क्रिसमस ट्री सटी। पूरी फील की जड़ मार दी ना, शताब्दी बोलती मैंने पर यार मैं बोल रहा हूँ क्रिसमस ट्री फिर मैं तो हूँ ना देसी एट हार्ट, यू नो। ये देखो ये हमारा ओवरऑल लुक है। आप हटेंगे भाई साहब थोड़ा व्यू से प्लीज। या थैंक यू, दैट्स द ओवरऑल लुक ऑफ द ट्री, हाउ नाइस इट लुक्स। नीचे जैसे मैंने दिखाया ही था ये गिफ्ट सेंटा है, ये ऑर्नामेंट्स। अभी तो मैंने काफी ऑर्नामेंट्स लगाए नहीं है बिकॉज हम लोग थोड़ा सा आलस कर गए थे कि ठीक है यार इस बार के लिए हमें इन दोनों के लगाने की इतनी ज्यादा जल्दी और एक्साइटमेंट हो रही थी कि उनको मैंने कहा यार दफा मार। और ये हमने इस बार नया एक स्टार भी लगाया है जो कि इट लाइट्स अप एंड इट लुक्स अमेजिंग। हाँ फिर दिखा के लेके आते हैं फाइनल लुक, नहीं बड़ी ताकि ट्री भी दिखेगा और वो जो हमने जो वो एलिमेंट्स लगा रखे हैं क्रिसमस वाले वो भी दिखेंगे बाहर, तो वो दिखा के लेके। यस लेट्स गो। बट देखो एक बार बार दे दी, बहुत प्यार हुआ है, बहुत प्यार हुआ है। देखो पास से देख, शक्ल देख जरा सी, दादा नहीं होता जैसे कुछ दादाजी, वो जो क्यूट से दादाजी नहीं होते। टक्कर 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 टक्कर, ऊपर भी जा रहा है अगला, हूँ नीचे आ रहा है। देखो ऐसे नहीं है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। अब जाएगा ऊपर, देखो बिल्कुल नीचे आ गया ना अभी, अब जाएगा ऊपर। ये चको ये हमारा बाहर का सेटअप है, ये लाइट आप लोगों ने ऑलरेडी देखी थी। और वो रहा हमारा क्रिसमस ट्री जो यहाँ से दिख रहा है, और ये रहे हमारे दो एलिमेंट्स जो हमने उस दिन लगाए थे। और यहाँ पर मैंने वो फ्लैश लाइट लगाई है जो ऊपर मतलब इस घर पे पूरे पड़ती है, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैंने लाइट चला रखी है बाहर तो वो दिख नहीं रही अच्छे से। बट आपको थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ दिख रहा होगा वॉल पे डॉट्स दिख रही होंगी ग्रीन ग्रीन, वो ग्रीन डॉट्स हैं जो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वॉल पे। और जो वहाँ पे कॉर्नर लाइट्स हैं पता नहीं मैंने लगाई तो जब थी एक स्पेसिफिक कलर पे आके रुक जाती थी, अभी पता नहीं हॉन्टेड लाइट्स की तरह क्यों वो जले जा रही हैं और बंद हो जा रही हैं। आई थिंक आई हैव टू फिगर दैट आउट। बट ऑल इन ऑल दिस इज़ द सेटअप। यहाँ पर मैंने दो लाइट ट्रीज लेने थे और कुछ और दो तीन एलिमेंट्स रखने थे, जैसे क्रिसमस जो गिफ्ट्स होते हैं बॉक्स होते हैं वो वाली लाइट्स रखनी थी, बट आई थिंक वो अवेलेबल नहीं थे जब मैं स्टोर पर गया। बट एनी हाउ दिस इज सेटअप फ्रॉम द आउटसाइड। आई होप आप सबको इस बार की हमारी क्रिसमस डेकोरेशन अमेजिंग लगी हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगी हो और बहुत सुंदर लगी हो।
एंड हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय करा है पूरा प्रोसेस. लाइक एवरी अदर फेस्टिवल हम लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं. और हमारे तो जो नेबर्स भी है ना, मतलब अब हमारी फैमिली जो हमारी ट्री है वो यहाँ से दिख रही है. ऑब्वियसली मैंने दूसरों का घर कैप्चर नहीं करा, बट सिमिलरली बाकी घरों के कंजेक्यूटिव जितने भी नेक्स्ट हाउसेज हैं सबके यहाँ पे सेम तरीके की ट्री लगी है. तो इट लुक्स सो प्रिटी ऑन द रोड. लाइक पूरी अगर स्ट्रीट व्यू हम देखें ना, अमेजिंग, इट लुक्स ब्यूटिफुल. So I hope you all liked the video, and if you did, like always, please do not forget to hit the subscribe button. Please do not forget to like and share my video and put comments down below, and we will see you in the next one. Until then, bye-bye. Bye.